क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय, जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दें। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। का सेक्शन है डिस्ट्रिक्ट चंबा, ठीक है। होप सो जो स्टूडेंट्स यहाँ चंबा से हैं और जिन्होंने चंबा कभी विजिट किया है, तो चंबा पहले कैसा था और चंबा अब कैसा है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे चंबा से मतलब हैं, जिन्होंने ये प्रेपराइज चैनल पे जो चंबा के लोग हैं, उन्होंने चंबा को अब देखा होगा। पुराने टाइम पे चंबा कैसा दिखता था उसके भी पिक्चर्स हैं, लेकिन हमारा चंबा का कंटेंट क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, तो कंटेंट क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी हिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक है। जो हिस्ट्री इसमें इम्पॉर्टेंट है हम वही कवर करेंगे। उसके बाद अगर आपको राजाओं के नाम चाहिए होंगे तो राजाओं के नाम की लिस्ट भी आपको अपडेट कर दी जाएगी। फिर ज्योग्राफी, मतलब जो चंबा का पूरा भूगोल है, यानी उसकी लोकेशंस क्या हैं, कौन सी जगह है। अभी मैंने इसमें कोई टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं लिए, सिर्फ लोकेशन ली है। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, जो चंबा के मेजर फेस्टिवल्स हैं, कौन से त्यौहार, कौन से फेस्टिवल्स जो हैं इधर मनाए जाते हैं उसके बारे में, कौन कौन से माउंटेन्स हैं और कौन कौन से पासेस हैं यानी दर्राएँ हैं, ठीक है। कौन कौन सी रिवर्स एंड लेक, ठीक है। टेम्पल्स, कल्चरल एंड हेरिटेज एंड डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स मतलब उसका स्टार्ट। तो आज क्या कवर करते हैं देखते हैं, आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगे। सबसे पहले देखिए इस पिक्चर से क्लियर करती हूँ, आज का जो चंबा है वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये सारा ओल्ड चंबा, पुराने टाइम पे टॉप व्यू जो था, सबसे पहला व्यू अगर हम ऊपर से देखें तो पुराना चंबा हमें ऐसे दिखता था। अगर हम आज की बात करें तो आज का चंबा हमारे पास ये है, और पुराना चंबा जो था, ओल्ड पिक्स जो थी, पुल, अगर हम ब्रिज की बात करें तो आज का जो ब्रिज है वो जिन लोगों ने चंबा को विजिट किया है देखा होगा, सीतला ब्रिज। लेकिन पहले जो था वहाँ पे, अगर चंबा में विजिट किया है तो आपने देखा होगा दो, एक ब्रिज जो है मेन ब्रिज के साथ एक छोटा ब्रिज भी है ना, जिसको हेरिटेज ब्रिज भी बोलते हैं। उससे पहले इस तरह से ब्रिज था, ठीक है। ये पुराना चंबा की चंबा कैसे दिखता था, इट मीन्स विद द एडवांसमेंट चंबा, बहुत पुराने टाइम का चंबा और आज का चंबा में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो हम देखते हैं चंबा की हिस्ट्री। तो चंबा की हिस्ट्री क्या है, देखिए इतिहास क्या है चंबा का। चंबा जो था, सबसे पहले चंबा की ट्राइब, चंबा में सबसे पहले कौन आए थे, 2nd century में सबसे पहले कोल्स आए थे यहाँ, कोल ट्राइब आई थी, कोलियन। सबसे पहला जो हिमाचल में भी सबसे पहले कोल्स आए थे, तो चंबा में भी कौन सी जाति सबसे पहले आई है, वो आई है आपकी कोलियन ट्राइब। अर्लीस्ट रूलर्स कौन थे, कोल। उसके बाद 2nd century में हमारे पास हर्ष आए। खर्ष कौन होते हैं, ये होते हैं इंडो आर्यन। खर्ष कौन है, देखो संस्कृत में इसको खर्ष बोलते हैं, इंग्लिश में इसको खस बोलते हैं, खसास बोलते हैं, लेकिन संस्कृत वर्ड जो इसका लोकलाइज्ड वर्ड है वो है खर्ष डायनेस्टी। तो जो खस थे ये आए थे, ये इंडो आर्यन थे, ठीक है। महाभारता में कौरव्स के टाइम पे जो है इन्होंने जो है कौरव्स को डिफीट किया है। और एक और चीज़, ये है कहाँ के, नेपाल और गढ़वाल और कुमाऊँ से आकर ये हिमाचल में बसे थे, ठीक है। उसके बाद ओदंबराज, ये जो है ओदंबराज, ये हैं इंडो ग्रीक। मैंने आपको बोला ये इंडो आर्यंस हैं और ये हैं इंडो ग्रीक, तो ये पहले आपको पता होना चाहिए इंडो ग्रीक, ठीक है। और ये कौन थे, इंडो आर्यन, ये आए। उसके बाद चौथी, 4th century में उसके बाद आए गुज्जर के, जो गुप्ता पीरियड आया जिसमें ठाकुर्स और राणास, मतलब चंबा में देखो चंबा में कितनी ट्राइब्स आई। सबसे पहले चंबा में आए कोल, कोल के बाद जो है वो कौन आया, खस आया और दंबराज आए। फिर 4th शताब्दी में आए आपके गुप्ता पीरियड। गुप्ता में सबसे ज़्यादा कौन आए,
राणाज और ठाकुर। तो आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि चौथी शताब्दी में किसका रूल था, कौन सा रूल था, किस पीरियड का रूल था या किस डायनेस्टी का रूल था, वो था आपका गुप्ता पीरियड। ठीक है, उसके बाद सातवीं शताब्दी में आपने हिस्ट्री में इतिहास में पढ़ा होगा गुज्जर एंड प्रतिहार, गुज्जर्स दैट इज बेसिकली फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात और प्रतिहार जो थे वो राजपूत डायनेस्टी थी। अगर इतिहास की बात करें तो उसमें गोपाला और धर्मपाला, तो ये जो थे गुज्जर्स, इसका मतलब सातवीं शताब्दी तक हमारे पास कौन कौन सी ट्राइब्स आई, कोल्स आए, खस आए, उदम्बराज, ये सारे चंबा में आए। हिमाचल की इस जगह को भी जो है इन ट्राइब्स ने टच किया है, आए हैं, रहे हैं। गुप्ता पीरियड में आए ठाकुर एंड राणा, सातवीं शताब्दी में आए गुज्जर और प्रतिहार। उसके बाद ये जो है लास्ट में हमारा चंबा, जो आज हमें चंबा मिलता है, सबसे पहले ये चंबा जो था, ये चंबा टाउन यहाँ नहीं था, पहले था भरमौर में। तो ये यहाँ सबसे पहले जो चंबा को इस्टेब्लिश किया है वो यहाँ पे चंबा टाउन में नहीं हुआ था, वो हुआ था भरमौर। और किसने इस्टेब्लिश किया था, वो थे मारू वर्मन। तो पहला राजा जिसने चंबा ना बनाकर चंबा का कौन सी जगह को अपना राज्य बनाया था, वो था ब्रह्मपुर। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र लिखा है, ये गलत लिखा है, टेक्निकल ब्रह्मपुर, ठीक है, ब्रह्मपुर, जिसको आज क्या बोलते हैं हम, भरमौर बोलते हैं। तो सबसे पहले जो चंबा का जिसको बोलते हैं उदय या चंबा, पहले तो कोई नहीं जाना, चंबा रियासत, एक चीज याद रखो, एक होती है रियासत और एक होता है टाउन। चंबा रियासत को बनाने वाला था मारू वर्मन, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 550 ईस्वी में जो था किसने बनाया था चंबा रियासत, तो वो बनाई थी मारू वर्मन ने। कहाँ से, ये मारू वर्मन कहाँ से आए थे, ये अयोध्या जो एक जगह है कल्पग्राम, वहां से आए थे और ये आकर भ्रमौर में स्थापित हो गए थे। वहां पे जाकर इन्होंने चंबा रियासत का उदय किया। तो पहली चीज, चंबा जो है आज चंबा है, लेकिन पहले क्या था, चंबा का नाम ब्रह्मपुर था। उसके बाद में कई रूलर्स आए, जैसे इसमें कई नाम है, एक नाम था लक्ष्मी वर्मन। रूलर्स के मैं नाम बता देती हूँ, एक थे लक्ष्मी वर्मन, इनके टाइम पे महामारी चंबा में बहुत फैली थी, ठीक है। उसके बाद आए मुशान वर्मन, ये सारे नाम है मुशान वर्मन। और इस मुशान का मतलब क्या होता है, चूहों को मारना, मतलब इनके पीरियड में। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला बहुत आता है, कई पेपर्स में आया हुआ है, कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसके टाइम पे चूहों को मारने पे प्रतिबंध लगा था। तो चूहों को मारने के लिए जो प्रतिबंध लगा था किसके राज्यकाल में लगा था, वो थे मुशान वर्मन, ठीक है। उसके बाद आए साहिल वर्मन। साहिल वर्मन क्या है, चंबा रियासत से चंबा टाउन बनाने का काम, यानी जो आज चंबा है वो किसने बनाया है, वो बनाया है साहिल वर्मन ने। जो चंबा रियासत थी यानी भ्रमौर, वो बनाया है मारू वर्मन में। तो दोनों चीजों में फर्क देख लीजिए, मारू वर्मन और आपका साहिल वर्मन। साहिल वर्मन ने आज का चंबा बनाया है और किसके नाम पे बनाया है, चंपा अपनी डॉटर के नाम से। देखिए साहिल वर्मन, इसकी दो स्टोरीज हैं। कहा जाता है कि जो साहिल वर्मन थे उनके 10 बेटे थे, ठीक है। सबसे बड़ा बेटा जो था वो युगांकर वर्मन था, उसके बाद उनकी एक डॉटर थी चंपा। अपनी बेटी के नाम से उन्होंने ये टाउन बनाया है। तो सबसे पहले आपको ये चीज पहले एक पता होनी चाहिए कि भरमौर कहाँ पे पड़ता है, बुद्धल रिवर, ठीक है। और उसके बाद कई सक्सेस, मतलब जो वर्मन डायनेस्टी थी 300 साल तक उन्होंने चंबा पे रूल किया है, 300 साल तक चंबा पे रूल किया है। और ब्रह्म, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा लिखा है, भरमौर, इसको भरमौर ही कर लीजिए या ब्रह्मपुर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने, साहिल वर्मन ने, कई बार क्वेश्चन आता है साहिल वर्मन ने जो चंबा का नाम है वो किस पे रखा था, किसके याद में रखा था, तो अपनी बिलव्ड डॉटर यानी चंपा के नाम से उसका नाम जो क्या पड़ गया, चंपा के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया है, चंबा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, हाँ एक और चीज, चंबा में एक मेला मनाया जाता है जो हम कल पढ़ेंगे, सूही मेला। साहिल वर्मन की जो बीवी थी सुनैना देवी, उन्होंने चंबा के भलाई के लिए
मतलब चंबा में पानी की कमी हुई थी, तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया था, अपना सेक्रीफाइस किया था, किस जगह पे, भलोटा, ठीक है, आज उसको मलून कहते हैं, ऊपर है, लेकिन जो है चंबा में किस रानी के सेक्रीफाइस से एक मेला मनाते हैं, जिस मेले को हम बोलते हैं सूही मेला, जो हम करेंगे कल, ठीक है, तो वो किसकी वाइफ थी, साहिल वर्मन की वाइफ का नाम क्या था, आपका सुनैना देवी। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, और आई होप कि आपको जो है यहाँ तक सेक्शन जो है वो अच्छा लगा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज, जो मुस्लिम्स थे, देखो अब धीरे धीरे जो है आपके कई रूलर्स जो है, मैंने आपको मुशान वर्मन बताया, लक्ष्मी वर्मन बताया, श्याम सिंह वर्मन आए, देन आपके आदित्य वर्मन, कई रूलर्स आए हैं, भूरी सिंह, ये सारे वर्मन आए हैं, ठीक है। तो भूरी सिंह का मैं आपको बता दूं, भूरी सिंह जो थे जब ये रूलर बने थे चंबा के, तो उस टाइम पे 1900 में जो है लॉर्ड कर्जन जो थे वो चंबा आए अपनी वाइफ के साथ। एक चीज ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दें, पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं 1900 से पहले पहले, जो मेन चीज पूछी जाती है, चंबा में मुस्लिम्स ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। एक चीज याद है ना कि जो मुस्लिम्स हैं, नेवर इन्वेडेड चंबा, चंबा में कभी भी आक्रमण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो आपका अकबर, कोशिश बड़ी की लेकिन यहां तक पहुंचे नहीं। तो सबसे पहले अकबर, अकबर ने जो है कोशिश की कि इस एरिया तक पहुंचे, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। एक्सटेंड टू लूज द कंट्रोल ओवर हिल स्टेट इंक्लूडिंग चंबा, मतलब अकबर जो था ज्वालामुखी तक आया, लेकिन इसने जो है वो चंबा तक नहीं आया, मतलब यहाँ तक अपना कंट्रोल नहीं कर पाया। एक और थे औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या किया था, जो राजा छतर सिंह थे उनको बोला था कि जो है मंदिरों को गिरा दो, लेकिन छतर सिंह ने उनकी बात नहीं मानी और क्या कर दिया, उसके मंदिरों के ऊपर पाइनेकल्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो आपके औरंगजेब ने राजा ऑफ चंबा किसको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स, कि जो आपका औरंगजेब ने किसको ऑर्डर दिया था, किस राजा ऑफ चंबा को ऑर्डर दिया था कि वो मंदिरों को तोड़ दे, तो वो कौन से राजा थे, वो राजा थे आपके छतर सिंह, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस रूल को माना, इस किसने औरंग, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, किसने जो है राजा, किस राजा ने औरंगजेब का रूल जो है या औरंगजेब का ऑर्डर नहीं माना था, किसने मना कर दिया था, किसने अवहेलना की थी, तो वो कौन थे, छतर सिंह। जब छतर सिंह ने को बोला गया था कि मंदिरों को तोड़ दे, उन्होंने मंदिरों को ना तोड़ के क्या किया, उन मंदिरों को उसके ऊपर पाइनेकल्स बना दिए। इस बेसिस पे औरंगजेब ने जब राजा छतर सिंह को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन वो वहां पे जा नहीं पाया, मतलब जो छतर सिंह था वहां पे पहुंच नहीं पाया, क्योंकि औरंगजेब को किसी काम से, किसी और लड़ाई से वो चला गया। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये ऐसे ही सॉल्व होगी। उसके बाद पृथ्वी सिंह, देखो पृथ्वी सिंह जो था वो कब से कब तक, 1641 से लेकर 1664 AD तक, इसने क्या किया है, सबसे इसके जो रिलेशंस थे वो किसके साथ, शाहजहां के साथ बहुत अच्छे, ठीक है। शाहजहां के टाइम पे इनका जो रूल था वो सबसे अच्छा था, और इन्होंने मुगल आर्ट का, पृथ्वी सिंह ने मुगल आर्ट के बारे में, जैसे भूरी सिंह म्यूजियम में भी मुगल आर्ट के बारे में, मुगल और राजपूत का जो फ्रेंडली रिलेशन है उसका एक मिनिएचर जो है वो भूरी सिंह म्यूजियम में लगा हुआ है। तो ये चीजें थी। देखो मुझे ये है, ये राजा हैं पुराने राजा उदय सिंह, इस तरह के जो राजा थे, ये पुराने राजाज हैं जो चंबा में जिन्होंने रूल किया है। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। कुछ भी अगर डाउट है, वेलकम दामिनी शर्मा, इट्स ग्रेट टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अनु राजपूत, यस अनु राजपूत, आपको MCQs भी करवाएंगे, डोंट वरी, पहले कंटेंट हो जाए फिर हम सारे पेपर्स शेयर करेंगे जैसे हमने पहले किए हैं। राज नेगी, देखिए जो बलोखरा है वो आप खुद ही डील कीजिए, बलोखरा PDF नहीं मिल सकता। सनी सिंह वेलकम टू द क्लास। नगेश कुमार थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो हम आगे चलें। उसके बाद आता है आपका, देखो
क्या हुआ, अब 1809 में जब लड़ाई हुई थी गोरखाज, ठीक है, गोरखाज ने जब इन्वेड कर दिया था कांगड़ा पे, तो संसार चंद और गोरखाज की लड़ाई हुई और संसार चंद ने क्या किया था, उन्होंने रणजीत सिंह से क्या की थी, अपने लिए प्रोटेक्शन मांगी थी। उस प्रोटेक्शन में कहीं ना कहीं चंबा पे भी वो चीज़ अफेक्ट हुई थी, और उस चीज़ को कवर अप करने के लिए क्या किया, जो यहाँ पे एक वजीर थे, वजीर नथु, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ नेगोशिएट कर लिया और राजा संसार चंद के साथ भी नेगोशिएट। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक ज्वालामुखी संधि हुई थी, किसके बीच हुई थी, ज्वालामुखी ट्रीटी जो हुई थी, ज्वालामुखी ट्रीटी किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी आपकी राजा संसार चंद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा संसार चंद एंड रणजीत सिंह के बीच में। उसमें क्या हुआ था कि अगर राजा संसार चंद को बचा लिया जाता रणजीत सिंह से, जब उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी थी, तो राजा संसार चंद ने उनको क्या बोला था कि इतने सारी चीजें जो है मैं आपको दूंगा, पर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। उसी टाइम पे जो चंबा का वजीर नथु था, उन्होंने इस एग्रीमेंट के साथ नेगोशिएट किया और चंबा को इस चीज से बचा लिया था। उसके बाद 1817 में वजीर सिंह ने अपने आप को रणजीत सिंह और रणजीत सिंह की लाइफ को भी बचाया। यही जो वजीर नथु थे, क्योंकि राजा रणजीत सिंह ताकि चंबा में वो ना करें, नेगोशिएट ना करें, 1817 में उन्होंने रणजीत सिंह को किससे बचाया था, अपना घोड़ा जो था देकर उनकी लाइफ को बचाया था ड्यूरिंग द विंटर कैंपेन इन कश्मीर। मतलब क्या है, जब रणजीत सिंह कश्मीर पे कैंपेन कर रहे थे, उस टाइम पे किसने किसको घोड़ा दिया था, वजीर नथु, किसके हैं ये, चंबा के थे, जिन्होंने इस क्रिटिकल मोमेंट में किसका साथ दिया था, किस राजा का साथ दिया था, वो थे राजा रणजीत सिंह। ठीक है, जब रणजीत सिंह की डेथ होगी, उसके बाद चंबा की जो हालत थी वो अनप्रोटेक्टेड हो गया, क्योंकि और उसके बाद जो है धीरे धीरे किसकी इंट्रोडक्शन या किसकी होगी, दैट इज सिख किंगडम ने जो था वो चंबा पे अटैक कर लिया, और उसके बाद सिख आर्मी इन्वेडेड द ब्रिटिश टेरिटरी इन 1845। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या हुआ, जो सिख आर्मी थी वो चंबा में भी रहने लगी और धीरे धीरे चंबा को मतलब विड्रॉन कर, चंबा को ख़त्म करने लगी। तो उस टाइम पे सिख्स ने, अगर सिखिज्म जो था, सिख्स थे कि अगर चंबा को डिफीट करना है तो उसको बेटर है कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा ऑन द अकाउंट ऑफ टाइमली इंटरवेंशन ऑफ, देखो जब सिख जो थे हार रहे थे, तो सिख ने ये कहा कि चंबा को जम्मू एंड कश्मीर जो आज क्या है यूनियन टेरिटरी है उसके साथ मर्ज कर देते। लेकिन एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट, वजीर भगा जो चंबा के हैं, उन्होंने इससे ये कहा कि 12,000 रुपये लेकर उसको ब्रिटिश आर्मी में दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश क्योंकि किसने कहा था कि ब्रिटिश को दे दिया जाए, वजीर भागा। और एक चीज़ और याद रख लीजिए कि जो आपके बाकी राजा थे, गोपाल सिंह, ये सारे जो थे, भूरी सिंह, राम सिंह, ये सारे जो थे, दे हैव गुड रिलेशंस विद द ब्रिटिश आर्मी। मैं आपको दो तीन नाम लिखवा रही हूँ, वो आप लिख लीजिए। जैसे ललित वर्मन है, ललित वर्मन के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, ललित वर्मन जो आपके शिलालेख हैं डिब्री कोठी में और सेचुनाला में, उनके शिलालेख से हमें जो है इसके बारे में पता चलता है, लक्ष्मी वर्मन के सामने। ठीक है, उसके बाद हम याद कर लें, विजय वर्मन आए, गणेश वर्मन, एक है गणेश, फर्स्ट पर्सन जिसने सिंह की उपाधि अडॉप्ट की, ऐसे वर्मन चल रहा था, लेकिन पहला राजा जिसने सिंह की उपाधि अडॉप्ट की थी वो कौन थे, गणेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके कि उसके बाद प्रताप सिंह वर्मन आए, प्रताप सिंह वर्मन ने राजा अनंतपाल चंद्रपाल जो कांगड़ा के थे उनको हराया था, किसने हराया था, प्रताप सिंह ने। मैं यहाँ पे राजाओं के नाम लिख रही हूँ, प्रताप सिंह वर्मन, ठीक है, किसको हराया था, चंद्रपाल को, राजा चंद्रपाल
चंद्रपाल ऑफ कांगड़ा को हराया और क्या कहा कि गुलेर को जो है चंबा में मिला लिया जाए। एक राजा ये आए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1900 ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लॉर्ड कर्जन जो है वो चंबा में कब आए थे, तो वो आए थे लॉर्ड कर्जन कब आए थे विद हिज वाइफ 1900 में। एक और नाम मैं लिखवा देती हूँ कि 1880 में हॉप्स की खेती जो थी वो चंबा में शुरू होगी, एक चीज। और दूसरा 1895 में जो है भटियात, ठीक है। उसके बाद 1904 में भूरी सिंह जो थे ये बने थे राजा, भूरी सिंह। और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी इनको मिली है, लेकिन इनको राज्य किसने दिया था, चार्ल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ चार्ल्स, ठीक है। इन्होंने चार्ल्स रिवर्स, इन्होंने भूरी सिंह को राजगद्दी पे बिठाया था और भूरी सिंह को नाइटहुड की उपाधि भी इन्होंने दी। तो पहली चीज, कौन से ऐसे राजा थे चंबा के जिनको नाइटहुड की उपाधि मिल गई, तो वो है भूरी सिंह। किसने इनको राज गद्दी पे बिठाया था, लॉर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स रिवाज ने, कब, 1904 में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है चंबा की हिस्ट्री से पता होनी चाहिए। आई होप कि यहाँ तक आपका सेक्शन जो है वो क्लियर हो गया। इसके बाद जितने भी राजाओं की अगर आपको लिस्ट या जो जो मेन है वो यही पूछे जाते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, 1908 में इन्होंने आपका भूरी सिंह म्यूजियम बना था, फिर पहला बिजली घर जो है भूरी सिंह के नाम से भी चंबा में बना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम करेंगे। उसके बाद देखते हैं आपका जो है नेक्स्ट सेक्शन, अब है बॉर्डर ज्योग्राफी। अब हम कर रहे हैं हिमाचल की ज्योग्राफी। देखिए ये चंबा का मैप है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये चंबा का मैप है। इस चंबा के मैप को देखते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है। यहाँ तक आपका अगर क्लियर है तो नेक्स्ट करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी क्या है, ये पूरा आपका चंबा का मैप है। इस चंबा के मैप को ध्यान से देखिए। देखिए जो ये डॉटेड डॉटेड लाइंस हैं ये आपकी स्टेट बाउंड्री बता रही है, जो आपकी येलोइश लाइंस हैं वो आपकी डिस्ट्रिक्ट, और वाइट लाइंस जो हैं वो आपकी तहसील बाउंड्री। अब देखो ये चंबा है, चुराह पांगी, मैं ऐसे लिख देती हूँ अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा, चुराह ये है पांगी, ठीक है, लाहौल स्पीति, भरमौर, होली, सियुंता, भटियात, ढलौजी, भलई, मैं यहाँ लिख देती हूँ भलई, सलूनी, ये सारे जितने भी जगहें हैं ये हिमाचल चंबा के साथ बॉर्डर स्टेट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं या जगहें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बॉर्डर नॉर्थ वेस्ट बाय जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट। अब आप देखो कैसे नॉर्थ वेस्ट है, ऊपर वाला नॉर्थ, इस साइड क्या पड़ता है वेस्ट, अगर हम ऐसे बात करें तो इस साइड क्या है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहली चीज़, जम्मू एंड कश्मीर क्या है आपकी यूनियन टेरिटरी, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मिस्टर मुर्मू, ठीक है, एक चीज क्लियर। नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है आपका लद्दाख, इस साइड आ जाएगा आपका लद्दाख, ठीक है। एंड ईस्ट में, बिल्कुल ईस्ट साइड पे, ये देखो ये ईस्ट है, तो यहाँ पे आपका पड़ गया लाहौल स्पीति, ये क्लियर हो गया आपका, इस साइड पे आ गया आपका लाहौल स्पीति। देन बड़ा बंगाल एरिया भी इस साइड आएगा। साउथ ईस्ट, अब आपका साउथ ईस्ट क्या पड़ रहा, ये साउथ है ये वाली जगह, तो साउथ ईस्ट में आपका पड़ रहा है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ये आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। उसके बाद साउथ, इस साइड पे आपके सारी पंजाब बाउंड्री है, तो गुरदासपुर ऑफ पंजाब। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। यस तुषार ठाकुर जी, आपको एमसीक्यूज भी करवाएंगे,
प्लीज गिव मी द फीडबैक कि आपको यहाँ तक जो है सेक्शन क्लियर है, एंड आई होप कि जो स्टूडेंट्स हमारे सेक्शन में फिर से वापस आए हैं उनको कंटेंट जो है पहले से बेटर लगा है, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं लैटिट्यूड। देखिए स्टूडेंट्स, कई जगह पे लैटिट्यूड कुछ और दिया है, कई जगह पे लैटिट्यूड जो है वो आपका कुछ और दिया है। तो जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं वो हम कर लेते हैं। जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो है आपका, ये लिया है मैंने HP का जो चंबा की ऑफिशियल साइट है वहाँ से लैटिट्यूड को उठाया गया है, ठीक है। तो 32°11′ से 33′13′6 तक आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, मैंने उस दिन भी फर्क बताया था, लैटिट्यूड जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है, ठीक है। लेकिन चलती कैसे है, पैरेलल लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से चलती है, ये वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन डायरेक्शन क्या बता रही है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये आपकी वैल्यूज हैं। और लॉन्गिट्यूड जो होता है दे रन परपेंडिकुलर, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ पोल चलता है लेकिन डायरेक्शन किस स्पेसिफाई किस पोजीशन को करता है, ईस्ट और वेस्ट। तो इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 75°49′ से लेकर 77°3 तक, ठीक है। अब इसकी मैं आपको वैल्यूज एक बार फिर से लिखवा देती हूँ। देखो अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का लैटिट्यूड कितना पड़ा था, 33°12′ से लेकर 33° तक, ठीक है। और कहाँ तक पड़ा था, 75° से लेकर 79° तक, यहीं तक पड़ा था। तो ये सारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने हिमाचल का पढ़ा था। अब जो है कहीं पे जो कोऑर्डिनेट्स है विकिपीडिया में जो है वो दिया गया है 30, मैं लिखवा देती हूँ वैल्यू 32°55, ये लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड दिया गया है 76, ठीक है। तो आसपास इसी के है। तो आई होप कि जो वैल्यूज हैं, कई जगह पे कुछ दिए तो उसको हेर फेर मत करना, कई जो ये है ये ऑफिशियल साइट जो चंबा की है वहाँ से उठाया है, और वैसे देखा जाए विकिपीडिया पे ये वैल्यूज नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका एरिया। हिमाचल का एरिया हमने किया था, अब हम हिमाचल का एरिया क्या था, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। चंबा का एरिया कितना है, चंबा का एरिया है 6,522, कई जगह पे लिखा है 6,528 स्क्वायर किलोमीटर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ऑप्शंस कौन सी सही होंगी। देखो कई ऑफिशियल साइट्स पे हो सकता है कि डाटा उन्होंने पुराना उठाया है, मैंने आपको दोनों रिसेंट लिखवा दिए, कई जगह पे अब आपको पेपर में वैल्यूज क्या आती हैं, देखो ये भी सही है और ये भी सही है। तो हो सकता है वैल्यूज का हेयर फेयर 6,522 ये ऑफिशियल साइट है जो चंबा की वहां से लिया गया है, ये जो है विकिपीडिया पे ये दिया गया है 6,528 स्क्वायर किलोमीटर। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। फिर जो माउंटेनियंस हैं यहाँ के, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कितने फीट, 2,000 से 21,000 फीट तक जो है यहाँ तक लाई करती है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन। नाउ व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ चंबा, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ चंबा अगर हिमाचल की, जैसे तुषार ठाकुर ने मुझे एक लेक्चर में पूछा था 6,864,602 ये किसकी वैल्यू है हिमाचल की, कई जगह पे 609 भी हो सकती है, ठीक है। तो वैल्यूज लेकिन आपसे पूछेंगे क्या, 68.6 जो है दैट इज द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, लेकिन अगर हम आज की बात करें 2019 की तो इट्स 2020 तो अभी शुरू हुआ है, 2019 तक तो ये 7,000 से ऊपर चली गई है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो 711 है, लेकिन रीसेंट अगर हम डाटा, ये तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 68.6, ये किसकी आ रही है, HP की। अब हम बात करें चंबा की, तो चंबा की जो है पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस एंड डेंसिटी है चंबा की वो ये है, और हिमाचल की कितनी थी, 123 स्क्वायर किलोमीटर, ये हिमाचल की है। उसके बाद लिटरेसी रेट,
देखो कई अभी रिसेंट में मैंने देखा है कि अभी रिसेंट डाटा में देख रही हूँ 92.14 जो है वो एक्सीड कर गई है। लेकिन अगर हम इस ऑफिशियल साइट की बात करें तो जो चंबा है, चंबा का जो लिटरेसी रेट है वो है 72.17% एंड मेल लिटरेसी रेट है 82.59। और अगर हम बात करें तो हमने हिमाचल का किया था, मैंने आपको बताया था कि रिसेंट 2019 का अगर डाटा देखें तो उसमें 83.78% जो है वो हिमाचल की क्या है लिटरेसी रेट है। लेकिन अगर आज चंबा की बात करते हैं तो चंबा का जो लिटरेसी रेट है वो है 72.17, लेकिन कई साइट्स पे 90 भाई आपकी जितनी एवरेज है हिमाचल की लिटरेसी उससे ज़्यादा जो है वो चंबा की है। तो ये रीसेंट साइट्स हैं लेकिन एक्चुअल डाटा ये है आपका, ठीक है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट क्या है 82.59% एंड 61.67% इज द एक्चुअल फीमेल लिटरेसी रेट। और उसके बाद हिमाचल में टोटल लिटरेट्स कितने हैं, ये ऑफिशियल साइट से उठाया चंबा की, दैट इज 323842 पीपल। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे देखते हैं गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है चंबा की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, चंबा जो है वो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आता है, लेकिन कहाँ का, किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, कांगड़ा, ठीक है, मिस्टर किशन कपूर याद रखना। विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, वो है 5, तो इनके नाम मैं आपको लिखवा देती हूँ, चंबा, भरमौर, ठीक है, चंबा, भरमौर, चुरा, ढलौजी और भटिया, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट के ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी याद करेंगे। और तहसील्स कितनी है, 7, कौन कौन सी तहसील्स आती हैं ये देख लीजिए, चंबा तो है, ठीक है, ढलौजी भी है, ये तहसील भी आ गई चंबा एंड ढलौजी, उसके बाद भरमौर, 3 क्लियर होगी, चंबा, ढलौजी, भरमौर, उसके बाद आपकी चुरा, सलूनी, ठीक है, पांगी और लास्ट वन है आपका चुवाड़ी। चुवाड़ी तो ये कितनी तहसीलें होंगी आपकी, 7, चंबा, ढलौजी, भरमौर, चुरा, सुलोनी, पांगी आपकी और चुवाड़ी, 7 तहसील, 7 आपके जो हैं डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं जिसमें कौन आता है, महला और तीसा वो ऐड होंगे। जिसमें से आपका अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो इसमें कौन नहीं होगा, देखो चंबा है डेवलपमेंट ब्लॉक, 1 क्लियर, सेकंड आपका आता है भरमौर, पांगी है, एक मैंने आपको बोला तीसा, महला, ये आगे, ठीक है, और सलूनी, और लास्ट वन इज क्वाड़ी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। और 2 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं या कैंटोनमेंट एरियाज हैं, एक है बकलो और एक है ढलौजी, तो यहाँ तक क्लियर होगा। और अगर सब तहसील्स की बात करें तो होली, भलई और तीसा। आई होप कि यहाँ तक आपको इसका डेमोग्राफिक और ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। धीरज कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, राकेश ठाकुर वेरी गुड इवनिंग, आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। नाउ आप आती हैं माउंटेन रेंजेस। देखो हमने किया था हिमाचल की, हमने फिजियोग्राफी पढ़ी थी जिसमें हमने डिफरेंट माउंटेन रेंजेस पढ़ी थी। उन माउंटेन रेंजेस में हमने कौन कौन से पढ़े थे, आउटर हिमालयाज पढ़े थे, मिड हिमालयाज पढ़े थे और इनर हिमालयाज पढ़े थे, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो सेक्शन है वो पड़ता है धौलाधार और पीर पंजाल रेंज में। तो देखिए चंबा जो है वो 3 आउटर हिमालयस में क्या आता है, धौलाधार। अब धौलाधार का हमने किया था, इसको बोलते हैं मौलक पर्वत, ठीक है, ये क्या है मौलक पर्वत, इसको हम वाइटिश ग्रे बोलते हैं,
ठीक है, ये पढ़ा ना, ये कहाँ से, ब्यास से, ब्यास और रावी को सेपरेट कर दिया। और ये भी हमने बोला था कि ये ओरिजिनेट कहाँ से, दैनकुंड फ्रॉम ढलौजी, और कहाँ तक चलते हैं, बद्रीनाथ तक। ठीक है, धौलाधार की पहाड़ियाँ, हमने कल मैंने आपको एक पिक्चर से क्लियर किया था कि जो धौलाधार की पहाड़ियाँ, जितने भी आप कांगड़ा और अगर स्टेडियम में चले जाओ तो जितनी भी ऊपर की पहाड़ियाँ आपको बड़े बड़े माउंटेन्स दिखते हैं, दे बिलोंग्स टू, दे आर द रेंजेस ऑफ धौलाधार। उसके बाद मिड हिमालयस, मिड हिमालयस में आती है पांगी रेंज। तो चंबा जो है वो सबसे ज़्यादा किस रेंज में पड़ता है, पीर पंजाल रेंज में, जिसमें दो नदियाँ जो हैं रावी और चंद्रभागा। चंद्रभागा जो है जब जुड़ती है तांडी में तो वो क्या बनाती है, चिना। तो चंबा के अंदर जो दो नदियाँ हैं, एक है रावी और एक है चिनाब, तो ये करेंगे। नेक्स्ट आता है और जो लास्ट वन है झांस्कर। झांस्कर रेंज जो होती है वो अगर देखा जाए तो ये ट्रांस हिमालयन रेंज है। झांस्कर की मैंने आपको बताई थी कि किन्नौर की सबसे ऊंची श्रृंखला जो है शिला, वो इस रेंज में आती है। लेकिन हिमाचल को तिब्बत से, कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी रेंज जो है हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है, वो आती है आपकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक एंटी, यानी हिमाचल जो तिब्बत कौन सेपरेट करता है, झांस्कर रेंज। ठीक है, अब ये कुछ आपकी पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी, कितनी हाइट पे है। पीर पंजाल की जो हाइट है वो पड़ती है 5972 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। लेकिन कौन कौन सी, देखो तो याद कैसे करना है, पीर पंजाल, बाराकंडा, कैलाश, थामसर, गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा। अगर याद करना है, नरसिंह मंदिर चंबा में है, वैसे याद कर सकते हो, गौरी देवी, गौरी देवी टेम्पल भी है, ठीक है, थामसर, कैलाश आपको पता है मणिमहेश कैलाश पीक है, बाराकंडा, अगर बाराकंडा याद नहीं होता तो बड़ा बंगाल तो आपको याद है, आप उसके बेसिस पे याद कर सकते हो, और पीर पंजाल, बेसिकली चंबा जो है वो आपको पता है पीर पंजाल रेंज में। तो ये चीज़ें आ गई हैं। अब इसमें हम तीन बातें और ऐड करते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक आती है, इसमें एक श्रृंखला है हाथी धार, इसको भी याद करिए। ये हाथी धार जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसमें कौन कौन सी वैलीज आती हैं, ब्यास, पांगी, चंबा, ठीक है, और कौन सी वैली आती है, रावी वैली या रावी, और एक आती है आपकी पांगी वैली। चंबा की कौन सी आती है, पांगी वैली, चंबा नहीं आएगा, पांगी वैली, ठीक है। और इसमें जो है सबसे आपकी जो हाथी धार है, इसमें भटियात जो है, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ चंबा। नेक्स्ट पांगी जो है, मैंने आपको बताया पांगी रेंज जो है वो पीर पंजाल रेंज में पड़ती है, और ये एंटर कहाँ से होती है, फ्रॉम बड़ा बंगाल, ठीक है। उसके बाद दागनी धार एक और है, शॉर्टेस्ट, कई बार यही पूछ लेते हैं, चंबा की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, दागनी धार, ठीक है। और ये धागनी धार जो है ये कहाँ पे पड़ती है, चंबा और जम्मू एंड कश्मीर का जो भद्रवाह रीजन है, भद्रवाह जम्मू एंड कश्मीर का, उस एरिया में पड़ती है ये धागनी धार। तो जैसे पदरी, जो पदरी पास है वो एरिया, राइट। तो यहाँ तक आपका क्लियर। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें हम पढ़ेंगे आपकी पासिस, ठीक है। अब हमने पीर पंजाल, क्योंकि पिछले सेक्शन में हमारा ये जो स्लाइड था वो थोड़ा मिस था, तो एवरेज हाइट जो है पीर पंजाल की है वो 5000 है, कौन से पार्ट में आती है, इनर हिमालयस, और किस जगह से, ईस्ट वेस्ट से कहाँ जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद बनिहाल पास, और मैंने कल आपको बताया था गुलमर्ग वैली। चंबा में इसकी ज़्यादा एक्सपेंशंस हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से पहाड़, किन किन नदियों को काटती है, सतलुज रिवर, चिनाब एक साइड, ब्यास दूसरी साइड, ठीक है, सेपरेट्स कुल्लू फ्रॉम लाहौल, और रोहतांग पास जो है वो यहाँ का जो है मेन पीर पंजाल का पार्ट पड़ता है। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये है पीर पंजाल की पहाड़ियाँ। अगर आप चंबा को देखें तो जब हम चंबा में एंटर करते हैं तो सामने जो होती है वो वाइट जो होती है स्नो से कवर्ड पहाड़ियाँ, दीज आर द पीर पंजाल रेंजेस ऑफ चंबा, जिसमें क्या है, मैंने आपको बोला लार्जेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालयस, छोटी जो लेसर हिमालयस है उसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट रेंज है, कहाँ पे, सतलुज रिवर,
ब्यास को एक साइड पे और चिनाब को दूसरी साइड पे काटती हैं, तो ये आपकी पीर पंजाल रेंजेस है। नेक्स्ट देखते हैं एक और पीक, मणिमहेश। आपने सुना होगा मणिमहेश जो है एक तरह से पिलग्रिमेज भी है, लोग यहाँ पे जो है हर साल जो है अगस्त में आकर राधा अष्टमी के दिन स्नान करते हैं। तो ये जो आपकी है ये है आपकी कैलाश पीक। कहाँ पे है मणिमहेश, कहाँ पे पड़ता है, भरमौर में पड़ता है। कितनी हाइट है, 5,653 मीटर। चंबा, इसको चंबा कैलाश भी बोलते हैं, दैट इज द अबॉड ऑफ शिवा। मणि, मणि के नाम से इसका नाम क्या पड़ा है, क्योंकि यहाँ मणि चमकती है तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मणि महेश। तो लॉर्ड शिवा का घर है और इसके बेस पे एक लेक है, मणि महेश लेक। उस लेक कहाँ पे है और उसकी कितनी मतलब कितनी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, दैट इज 3,950 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी नदियाँ, ठीक है। तो जो चंबा में जो नदी बहती है, मेन जो टाउन पे बहती है वो है रावी। सबसे पहली चीज़ ये याद कर लीजिए, रावी का वैदिक नेम क्या है, पुरुषनी, और संस्कृत नेम है इरावत। अब रावी अराइज कहाँ से होती है, रावी अराइज होती है बड़ा बंगाल जो है कहाँ पे पड़ता है, कांगड़ा में। और उसके बाद किन किन ग्लेशियर्स को, भादल और तंतगिरी जो ग्लेशियर्स हैं, हिमखंड है, उनसे निकलते हैं, उनके पास से ये स्ट्रीम जो है बड़ा बंगाल से रावी नदी निकलती है, ठीक है। और रावी नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, भादल, सियोल, बैरा, छरछनाला, ये सारी जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां हैं। उसके बाद जो है आपका हिमाचल में जो आपकी रावी नदी है, ठीक है, उसका फ्लो कितना है, 158 किलोमीटर। कैचमेंट एरिया कितना है, 5,451 स्क्वायर किलोमीटर। अलेक्जेंडर ने इसको हाइड्रिस्टर भी बोला था और इसको रोडिस के नाम से भी जाना है, ठीक है। ये चंबा के किस साइड पे रहती है, मतलब चंबा इसके किस किनारे पे बसा है, दैट इज राइट बैंक पे, ठीक है। अब ये चंबा को कहाँ छोड़ती है, ये चंबा को छोड़ती है आपके खैरी और फिर कहाँ पे एंटर कर जाती है, जम्मू एंड कश्मीर, माधोपुर जो जगह है, और चिनाब के साथ मर्ज करती है इन पाकिस्तान, और पीर पंजाल और धौलाधार रेंज को जो है वो अलग करती है। एक और नदी है जिसको हम करेंगे चिनाब, ठीक है। ये है अस्किनी, इसको क्या बोलते हैं, अस्किनी, नॉर्मल इसको चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, चंद्रभागा, ठीक है। एक चीज दूसरा, इसका जो है चंद्रभागा मर्ज कहाँ होती है, तांडी में, बारालाचा पास से निकलती है। उसके बाद आपका जो है सेचुर नाला और मियार नाला जो है इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो कौन सी है, चिनाब, ठीक है। संसारी नाला और जो है आपका संसारी नाला में चिनाब छोड़ती है, ठीक है, थिरोट से वो चंबा में एंटर करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी चंबा से आपको जो है ये क्लियर हो गया। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पर आए हैं, प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा।